चावल के आटे का टेस्टी चीला, तो और उसमें भी टमाटर की चटनी के साथ। आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी चीला है, सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी। हेलो एवरीवन, मैं बबीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हर घर की रेसिपीज़ में। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और धनिया पत्ता। तो इससे हम अपनी चटनी तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम चीला बनाने के लिए मैंने क्या लिया है। तो चीला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, धनिया बारीक कटा हुआ। और जिस कटोरी में मैंने चावल का आटा लिया है उसी कटोरी से 2 और आधी कटोरी पानी लूँगी। तो चलिए हम अपना बेटर तैयार करते हैं। देखिए, ये 1 कटोरी चावल का आटा, उसी कटोरी में 2 कटोरी पानी। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्च जो मैंने बारीक काटा था उसे भी डाल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मैं उसी कटोरी से मिक्स करूँगी जिस कटोरी से मैंने चावल का आटा डाला था। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बेटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में थोड़ा कम पानी लिया था। तो और फिर इसे मिक्स कर लूँगी। और उधर मैंने अपने तवा चढ़ा दिया है और टमाटर को गैस के ऊपर भूनने के लिए भी चढ़ा दिया है। तो अब हमारा तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, टमाटर भी एक साइड अच्छे से भुन जा रहे हैं। इसमें मैं अब 1 चम्मच तेल डालूँगी। तवा गर्म रहे तभी आपको तेल डालना है। और थोड़ा आराम से डालें और इसे पूरी तवे में सब साइड फैला दें। अब इसमें हम बेटर डालेंगे, 1 कटोरी उसी में से घोल के निकाल लेंगे और तावे के ऊपर उसको आराम से डालेंगे। इस तरह से हमें बेटर को डालना है। बेटर डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। अभी हमारा इधर हमारा टमाटर भी भून रहा है, तब तक हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। इधर हमारा टमाटर भी पलट देते हैं हम। जब टमाटर दोनों साइड अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। तब तक मैं अपनी इधर जार में धनिया मिर्च लहसुन डालकर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको हम रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, इकट्ठा ग्राइंड नहीं करना है हमको। तब तक हमारे इधर टमाटर भी रखाया है, ठंडा होता रहेगा। चलिए, हम पीस ली हूँ। अब इसके बाद हम टमाटर निकाल लेते हैं। टमाटर थोड़ा देर गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारा मिर्च मिर्च धनिया लहसुन पीस कर तैयार हो गया है। इधर हम इसको चारों साइड से पलटाएंगे धीरे धीरे कर कर, आराम से हमें पलटाना है, नहीं तो चीला टूट जाता है। अब इसे हम अच्छे से आराम से पलटा लेते हैं। देखिए, एक साइड पक गया है अच्छे से। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे ही हाई फ्लेम में पकाएंगे। हमारा टमाटर ठंडा हो गया है। अब हम इसका जो छिलका है उसको निकाल कर अलग कर देते हैं। छिलका रहेगा तो कड़वा लगेगा, इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं। इधर हमारा चीला भी पक रहा है। अब टमाटर को हम चाकू से 4 टुकड़े कर लेते हैं, फिर उसको ग्राइंडर में हम डालेंगे, कि फिर उसके बाद हमको इसको रोक रोक के पीसेंगे। इसको एकदम एक ही बार में नहीं पीसना है, इसको काट लेंगे तो हमें इजी रहता है। ये कट गया। अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लेंगे। हमारा चीला दोनों साइड से अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। इधर साइड से भी बहुत अच्छे से पक गया है, देख लीजिए। बस ये हमारा परफेक्ट बनकर तैयार है चीला। अब हम इसे इसी तावे में रख देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब जो टमाटर हमने काटा था उसको इसमें डाल देते हैं, धनिया मिर्च लहसुन नमक वाले में। इस अब गैस बंद और इसे पलटा लेते हैं एक बार। उसके बाद हमारा टमाटर की चटनी पीस लिया है। अब टमाटर की चटनी देखिए हमारी ये रही तैयार। इसे हमें एक ही बार में नहीं पीसना है, ग्राइंडर को 1-2 बार चला के पीसना है। अब इसे हम
प्लेट में चीला भी बन गया है हमारा, चीला भी प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए क्या परफेक्ट चीला है, हम इसे अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये सॉफ्ट सॉफ्ट चीला बिल्कुल रेडी है और ये टमाटर की चटनी के साथ तो और भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको टमाटर की चटनी और चीला को सर्व कर कर दिखाती हूँ और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी रहती है। ये देखिए हमारा ये चीला और टमाटर चटनी रेडी है। एक बार आप भी बना के देखिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको यदि ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बेल के आइकॉन को ज़रूर बचाएं। तो प्लीज़ आप देखते रहिए हर घर की रेसिपी। थैंक यू।